एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह का रूप, जैसे सर्दी की धूप, जैसे बीना की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बलखाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू ले आई ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। Hey guys, welcome back to my channel. Hey channel. तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग। अभी हम लेकर आए हैं रैंडम रीडिंग। और ये अरे भाई हम पे जुल्म मत करो यार, 238 रुपीज़ वाली रीडिंग कल क्लोज़ हो गई है। प्लीज़ जिसको रीडिंग लेनी है, 300 रुपीज़ पर क्वेश्चन की रीडिंग है और 500 में 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं। हैं अरे भाई इतना बिल नहीं, खैर जो भी है अब क्या करें, बस बताना था। अरे हाँ, किसी का भी हमने कमेंट देखा, मतलब अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट अभी हमने वीडियो बनाने से पहले हम जस्ट ऐसे ही देख रहे थे, तो किसी ने कमेंट कर रखा है कि मोबाइल होल्डर का लिंक बताने को बोलने को बोला। मोबाइल होल्डर कौन सा मोबाइल होल्डर? ये गंदा वाला 300 रुपये का जिस पे फ़ोन लगा हुआ है, ये बहुत बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। और ये इसकी बात कर रहे हैं क्या, इसकी बात कर रहे हैं? किसी ने पूछा है ना, ये हम ज़्यादा यूज़ कहाँ किए हैं? वो नाचने वाली वीडियो में ही लगाया था 2-3 बार। और लाइट पे तो आप लोग तो बोले कि लाइट की ज़रूरत है नहीं हमारे थोबड़े पे, क्योंकि थोबड़े पे कोई चमकार की ज़रूरत नहीं है हमको, हमारा थोबड़ा वैसे ही बहुत चमकता है। खैर जो भी है, ये अमेज़ॉन बेसिक्स का है और अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। है सबसे ऊपर आप लिखेंगे ना क्या लिखे, इसको आपने क्या ट्राईपॉड स्टैंड लिखिएगा विद रिंग लाइट, है तो आ जाएगा। और ये 1150 का लिया है हमने, 1150 पे मिला है ये, तो आप जाके अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं। और ये इसमें कुछ आपको ऐसा ऐसा मिलेगा, ये सब अलग खुल खाल के आएगा, आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। ये भी इस पर लगता है, ये ऐसा करके नहीं आता, ये बिल्कुल ऐसे इतने बड़े मतलब अरे यार इतने बड़े डब्बे में आएगा, लेकिन सब कुछ आपको खुद ही वो करना पड़ेगा अटैच। तो पतले से डब्बे में आएगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या ही आया, लेकिन बहुत ही थिन, ऐसे इतने थिन डब्बे में आएगा ये, इतने थिन डब्बे में, ठीक है। तो उसमें जो है ये आया है और आपको खुद ही सब ये लगा के इसको ये बड़ा हो जाता है। और ये कुछ रिमोट है इसमें, ऐसे लाइट की ये मॉड्यूल है, ऐसे इसमें ये ऑन ऑफ होता है एक, बाकी अप डाउन का हमें पता नहीं। मोड है, मोड में इसमें लाइट एक चेंज होता है, 2 सेटिंग है, एक बार ट्यूबलाइट वाली लाइट आती है वाइट कलर की, एक बार वो बल्ब वाली ऑरेंज सी लाइट जलती है, ठीक है। ये 1150 में है, ये तो मतलब हमने यूज़ ही नहीं किया है, पर ठीक है, अच्छा है मोबाइल, इसमें टिक गया था जब हम नाचने का वीडियो बना रहे थे। एनीवेज, जिसने पूछा है हमने आपको बता दिया। और बाकी जिस पे ये फ़ोन लगा हुआ है इसका तो हम कतई रिव्यू नहीं देंगे, आप ख़रीदना भी मत लिए। ये भी अमेज़ॉन बेसिक्स का है, ठीक है, बहुत ही बेकार है। खैर जो भी है, और हम क्या बता रहे थे, हाँ रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग, ठीक है। और क्या बताना था, और कुछ नहीं बताना था, हाँ तो यही है, ठीक है। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे हैं। और अरे हाँ, हम तो आप जैसे आप हमसे कुछ पूछते हैं, हम भी आपसे पूछ सकते हैं ना, एक ज़रूरी बात है।
अरे एक मेंबरशिप का ना बड़े टाइम से एक ऐड आ रहा है, मतलब हमको बार बार यूट्यूब से सजेशन आ रहा है कि मेंबरशिप मेंबरशिप पे कुछ ऐड कर सकते हैं। क्या होता है ये मेंबरशिप और इसका इसका कैसे काम करता है ये मेंबरशिप, किसी को पता है क्या? अगर आप लोगों में से कोई यूट्यूबर है तो आपको पता ही होगा, तो हमको ज़रा बताइएगा। है मतलब इनकम, एक्स्ट्रा इनकम लाने के लिए है ये, हैं आपको तो पता है, हम आपसे कुछ छुपाते नहीं हैं, तो हमको भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए भाई, हैं तो मेंबरशिप के लिए एक कुछ है ना, तो हम वो देख रहे थे कुछ, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे इस्तेमाल होता है। वैसे हमको ठीक है, जैसे चल रहा है हम खुश हैं, बहुत टाइम से आ रहा है पता है, करीब 6 महीने से हमको वो मेंबरशिप का वो उसमें वो दिखा रहे हैं बार बार कि मेंबरशिप मेंबरशिप मेंबरशिप, लेकिन हमको इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो खैर मतलब समझ नहीं आ रहा, मेन बात तो ये है कि समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्या करें हैं। खैर छोड़िए छोड़िए, इतना लोड मत लीजिए। क्या कह रहे थे हम, हाँ रीडिंग करने के लिए आया है। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, और अभी जो हमने दोपहर को रीडिंग की है, कुछ लोग उसमें बहुत परेशान हो रहे हैं कि सोलमेट है, क्योंकि उसका हमने टॉपिक जो रखा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में रहने लायक नहीं है। नहीं आप खुद सोचिए ना कि आपको पहले ही ये पर्सन ऑलरेडी छील चुके हैं, अभी भी बताइए वापस आ रहे हैं तो किसी मकसद से आ रहे हैं, कोई मोटिव से आ रहे हैं, आपका हेल्प चाहिए किसी प्रकार का, और फिर हेल्प लेके वो वापस से छील के निकल जाएंगे, तो आप वापस से बार बार नहीं, ये गलत बात है। देखिए हमको किसी ने कहा कि हम लोग कारपेट नहीं हैं, है ना, कारपेट की तरह हम लोग बिछे हैं, ये गलत बात है। हमने भी बहुत सोचा इस बात पे कि हाँ बात तो सही है, हम लोग कारपेट थोड़ी हैं। अच्छा चलिए एक 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 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि हम लोग कारपेट हैं भी, तो यार हमारे ऊपर से थोड़ा तमीज़ से चलो ना यार, रेड कारपेट है, तुम कहाँ के शहंशाह हो कि बस फलान बादशाह हाजिर हो रहे हैं और हम फैल गए, क्योंकि भाई हम तो कारपेट हैं, चलो हमारे ऊपर से चलो। तो ऐसे थोड़ी चलना है कि तुम्हारे जूतों में साला गोबर लगा होगा, तुम ऐसे रगड़ रगड़ के अपना टट्टी पॉटी गोबर उस पर हमारे ऊपर से हमारे पूरे कारपेट को गंदा कर दोगे। अरे ये कारपेट हमारा दिल भी तो है, रेड कारपेट पे ऐसे चल रहे हो, छील रहे हो हम लोगों को, गलत बात है, गलत बात है। कारपेट हम लोग बिछ रहे हैं, ज़रूर बिछ रहे हैं, और हम शान से कह सकते हैं कि हाँ ठीक है हम कारपेट हैं, हम बिछ गए, क्योंकि हम बहुत इमोशनल हैं, हम लोग कर्मा बिलीवर्स हैं, हैं हम लोगों ने इतना दिया तो बदले में तुम लोगों ने क्या दिया, छीला ही तो है हम लोगों को, हैं बताइए। गलत बात है, गलत बात है, बहुत गलत बात है। ऐसे रौंद के चले जाओगे तो भगवान जी भी देखते हैं, एक दिन ऐसे ही कारपेट हम रोल हो जाएंगे ना, अंदर ही समा जाओगे और दम घोट देंगे। खैर कुछ भी बोलते रहते हैं हम तो अब जो है हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रैंडम रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग। अरे आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। बहुत सारे कार्ड एक साथ आए हैं लेकिन हम नहीं लेंगे, क्योंकि दोपहर को ये सब कार्ड आए थे, हैं एम्प्रेस हायरोफेंट एक साथ चिपक के। खैर कार्ड्स टकरा रहे हैं भाई, बहुत टकरा रहे हैं, बहुत 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 टकरा रहे हैं कार्ड्स। आ नहीं रहे हैं कार्ड्स, फ्लिप हो रहे हैं। चलिए अब लेते हैं, पहला कार्ड आ गया है एट ऑफ सोर्ड्स। स्टक, समबडी स्टक, कौन है ये, आप या कोई और, वो तुम पता लगा लेंगे अभी कौन है ये। अरे प्रियंका चोपड़ा, अरे ये तो स्त्री है। नहीं मतलब स्त्री की चोटी भी ऐसी है ना लंबी सी, प्रियंका चोपड़ा लगती है ना ये हमको। अचानक से कोई देखेगा ना, सच बताएं, देखिए आप प्रियंका चोपड़ा ही लगेगी आपको, पता नहीं आपकी आपकी नज़र में ये लग रही है कि नहीं, लेकिन हम जब इसको अचानक से देखते हैं ना तो पता नहीं अचानक से हमको ये प्रियंका चोपड़ा ऐसा थोपड़ा ही ऐसा है, प्रियंका चोपड़ा जैसा, प्रियंका चोपड़ा थोड़ा। एट ऑफ सोर्ड्स के बाद नाइन ऑफ सोर्ड्स, वाह क्या प्रोग्रेशन है, वाह क्या प्रोग्रेशन है।
इसको कहते हैं प्रोग्रेशन। जहाँ तक हमें लग रहा है ये आप लोगों की एनर्जीज नहीं है, ये किसी और प्राणी की एनर्जीज है। और पहली बार ऐसी एनर्जीज देख के हमको बड़ी खुशी हो रही है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, वो पहली बार जब हम मिले तब तुमने ही दिल ये छीले, है ना, हम लोगों के दिल छीले थे, याद आया? तो ये हालत तो तुम लोगों की होनी ही है। आगे देखते हैं। कहते हैं किसी की बेबसी पे या किसी की बर्बादी पे हंसना नहीं चाहिए, और ये हमको हंसी नहीं आई, अफसोस प्रकट किया है हमने। समझने वाले समझ जाएंगे कि ऐसी हालत किसी की हो रखी है तो बुरा लगता है, लेकिन ये किसी का खुद का किया धरा है। भगवान जी ना सब देखते हैं, पता है, सब देखते हैं। 11-11 देखा हमने, 6 of Pentacles। आने वाले दिनों में अगर कोई आपको कुछ ऑफर करता है कृपया ग्रहण ना करें। मैसेज आया है हमको, तो हमने बताया आपको यहाँ पर ये कार्ड अगर आप देखें, 6 of Pentacles का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड होता है। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो लेडी है वो एक छोटे से बच्चे को कुछ दे रही है, ठीक है, और वो रिसीव कर रही है छोटी बच्ची। पता नहीं, लेकिन हाँ याद रखिएगा, आने वाले कुछ दिनों में गणपति तक के लिए ये हमने एनर्जीज आपको बताई है। गणेश चतुर्थी पे आप आपके सारे विघ्न जो है वो टल जाएंगे, तो 7 सितंबर तक एटलीस्ट आप इस चीज़ को नज़रअंदाज मत कीजिएगा हमारी बात को, ठीक है। ये कैसा फ़ोन है, ये टेढ़ा का है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि क्या कह रहे थे कि कोई अगर आपको कुछ ऑफ़र करता है तो आप ग्रहण मत कीजिएगा। पता नहीं किसी प्रकार का खतरा लग रहा है, लेकिन किसी की एक किसी पर्टिकुलर प्राणी की आपसे जुड़े हुए कोई प्राणी की एनर्जीज आई हैं यहाँ पे। बहुत बुरा हाल है भाई इनका, तो 6 of Pentacles, तो किसी से भी कुछ लेना नहीं है इस समय। और यहाँ पर हमें किसी को एक अफसोस हमें दिखा, अफसोस जताने की प्रक्रिया दिखाई दे रही है। हाँ, आप तो बिल्कुल मत लीजिएगा, ये आप हैं 4 of Cups, और ये किसी और प्राणी की भी एनर्जीज है जो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग चल तो रही है, लेकिन कुछ माइंड में ना एक अलग ही, क्या बोलते हैं उसको यार, जब हमें ना वर्ड नहीं आता ना, पता नहीं कौन सा शब्द होता है, उथल पुथल नहीं, एक बहुत ही मजबूत सा शब्द होता है, वो मजबूत शब्द हमको याद नहीं आ रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन मतलब ये है ना, ये जो पेड़ के नीचे बैठा है ये वाला प्राणी, इसके दिमाग में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसमें से वो शब्द है जो हमको याद नहीं आ रहा है। और नहीं, कोई ख़राब शब्द नहीं है, मतलब परेशानी भरा शब्द है, इसकी परेशानियों भरा शब्द है। लेकिन आपकी भी एनर्जीज थोड़ी बहुत ऐसी है कि आपको पता है कि अभी इस मौके पर क्या करना है, लेकिन आप लोगों की भी ओवर थिंकिंग चल रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर, तो ये है वो प्राणी। दोपहर को भी यही प्राणी आया था क्या, किंग ऑफ पेंटिकल्स? नहीं, ये हरे वस्त्रों वाला प्राणी तो कल आया था। टकलियां ही होता ना, टकलियां होता है, क्या होता है टकली? हम देखिए कैसा राजा है, हम लोगों को सबको टकला कर दिया इसने, अब तू टकलियां, टकलियां मतलब भाग जाए यहाँ से, निकल यहाँ से, चल भाग। तो
जो भी है ये एक लात मारे क्या पता नहीं बड़ा गुस्सा सा आया हमको इसको देख के। थोबड़ा देखिए जरा इसका, बड़ा गुस्सा आया है। निकल हट, ब्र ब्र, बेकार आदमी है, जरूरत नहीं है अभी आपको इसकी, ठीक है। ये किंग ऑफ हिल्स पता नहीं हमको अब बेचारगी वाली एनर्जीज नहीं लग रही है। जब इसको ऐसे ऐसे थ्रोन में ऐसे पोजीशन में देख रहे हैं ना, ये एनर्जीज तो किसी की है लेकिन ये दिखावा है, तो इस प्रकार के छलावे से बचिएगा, ठीक है। छलावा, हाँ वो शब्द होता है छलावा। इसके माइंड में ना छल कपट चल रहा है, छल कपट, ठीक है, छल कपट, कपट छल, छल कपट। देखिए ऐसे छलबाज लोग और कपटीबाज लोग हमको हमारी ज़िंदगी में कहीं चाहिए रहे, बहुत ऑलरेडी छिले छिलाए लोग हैं, है? वो दिन अब लद गए हैं जब आप कारपेट बनने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, ठीक है। ओवरथिंकिंग, आप किस चीज़ के लिए ओवरथिंकिंग, ऐसे इंसान के लिए इतना ओवरथिंकिंग, इतना दिमाग है, टकले होने के बाद भी आपको शांति नहीं है, बाल उड़ गए हैं आप लोगों के, फिर भी आप लोगों को चैन नहीं है। ये देखा, बोला था ना हमको इस आदमी को देखते ही ये गुस्सा आया था, इसलिए ऐसे नहीं बोला था कि हमको इसको जो है एक, समझ गए ना, आप ही मार दीजिए, ठीक है। हमको अपने कर्मा नहीं खराब करने, अपना हमको अपने चरण खराब भी नहीं करने हैं। ऐसे इंसान लात खाने के भी काबिल नहीं है लात तो पड़ेगी लेकिन हम लोगों की नहीं, कर्मा देवता की। तो यहाँ पे देखा कर्मा देवता का जिक्र आया है, जब जिक्र आया है तो कर्मा देवता का कार्ड भी आता ही होगा, पता नहीं क्यों हमें लगता है। किंग ऑफ व्हील्स का कार्ड है यहाँ पे, हे भगवान, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून या जस्टिस का कार्ड आना ही चाहिए, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, इन चार कार्ड में से कोई एक कार्ड आ जाए तो मज़ा आ जाए, खैर। लेकिन किंग ऑफ व्हील्स के बाद ये आया डेविल, देखा खंजर लेके ये प्राणी तैयार है, खंजर लेके तैयार है ये प्राणी। तो ये जो ऐसी एनर्जीज ये अगर आपको दिखा रहे हैं ना, आपके सामने बिलख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कुछ लोगों ने कमेंट किया है, हमने पढ़ा है, कुछ लोगों के कमेंट पढ़े हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं हमारे सामने, बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं भाई, बहुत रोध हो रहे हैं, ठीक है। अभी नहीं, अभी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है जब आप इनको एक्सेप्ट करें। ये इनके इरादे ये है, पीठ पीछे छुरा, इसलिए हमने बोला है थोड़ा समय, थोड़ा सा लेट कीजिए, ठीक है, इसलिए बोला है थोड़ा सा डिले है अभी। और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि एक साल की रीडिंग कर दी, अब ये पर्सन हमारी ज़िंदगी में और लेट हो गए। ऐसे इंसान का ज़िंदगी में आने का ज़रूरत ही क्या है, हैं, जो ऐसी डेविलिश एनर्जीज में रहते हैं भाई। अगर तो 7-8 सोलमेट होता है तो इस सोलमेट को तो आपको फ़ौरन लात मार देना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता है कि ये आपका सोलमेट है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं और जिसके बारे में आप दिन भर रीडिंग लेते रहते हैं, ठीक है, कोई दूसरा सोलमेट आता ही होगा, कोई और, ठीक है, आपके नसीब में होगा। ये नार्सिसिस्ट पर्सन, ज़बरदस्ती टॉक्सिक रिलेशनशिप में पढ़ने की ज़रूरत क्या है, नहीं क्यों आपको लात खाने का बहुत मन कर रहा है, हाँ बहुत मन कर रहा है लात खाने का, हाँ तो कर्मा देवता से खा लो, कर्मा देवता से खा लो ना। इंसान रूपी लात की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, वैसे ही बहुत लात हम लोग खा चुके हैं, और इंसान की लात काहे खाएं, हैं, भगवान की लात खाइए, प्रसाद रूपी लात है, वो बहुत अच्छा होता है। किंग ऑफ व्हील्स का ना हमें थोबड़ा देखना नहीं है, इसको देख के हमें पता नहीं बहुत खून सा खोल सा रहा है, हमारा खून एकदम उबल रहा है। इसको हम ऐसे रख रहे हैं उल्टा करके, ठीक है, हमको इसका नहीं थोबड़ा देखना, बहुत ही बेकार है। इससे अच्छा डेविल का थोबड़ा है, देखिए अच्छे से देखिए, अच्छा है ना, बहुत गर्म है, मतलब हॉट आपको लग रहा होगा ना, जल जाएंगे आप। ज़रूरत नहीं है, हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए अपने जीवन में।
ये सब छलावा है, सब दिखावा है। ठीक है, अभी आपके सामने इस तरीके की जो ये रोने धोने का बिलख रहा है ना, ये देखिए कैमरा पूरा भिल गया था ना, देखा, भूचाल लाने की प्रक्रिया चल रही है आपके जीवन में। ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को एंटरटेन करता ही ना करें इस दौरान पे, तो हरगिज नहीं। गणपति एक बार आने दीजिए, 7 सितंबर को एक बार गणपति आ जाने दीजिए। कल रात बहुत लोगों के जीवन में कुछ कुछ हुआ है ना, क्योंकि आप ही लोगों ने कमेंट किया है 23 अगस्त आपके जीवन, आपका हैप्पी बर्थडे था और 23 अगस्त को हमारे जीवन में, भाई हमारा हैप्पी बर्थडे अमर हो गया है, हमको तो पता ही नहीं था कि हमारा ये वाला मतलब हमारा जन्मदिवस भी किसी के लिए अच्छा हो सकता है। बड़ी हैरानी हुई थी हमको कल, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए अच्छा हो गया ना तो बस बहुत अच्छी बात है, हमको बड़ी खुशी हुई, पता है बहुत खुशी हुई। लेकिन हम अभी कह रहे हैं ना, अभी की एनर्जीज छल कपट, छल कपट। इस रीडिंग का टॉपिक का नाम क्या रखना चाहिए हमको हेडलाइन में? छल कपट। हमको पता नहीं बीच बीच में ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि ये जो कुछ दिनों से हमारा ये कान गया हुआ है ना, इस पर किसी का बहुत ही गंदा वाला मतलब कुछ, किसी ने कुछ किया है, क्योंकि हमको ना सर्दी है ना जुकाम है ना कुछ है, बंद होने जाने का कोई मतलब भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जी हमारे कान में जी बहुत मैल जमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, पता है बहुत अच्छे से हम लोग हम हाइजीन का ख्याल रखते हैं, हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कपटी राजा, अब बजेगा तेरा बाजा। डेविल के नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये जो प्राणी है इसके बाद डेविल आया, ठीक है, इसके बाद ये आया। अगर तो आप किसी दो प्राणी से डील कर रहे हैं, इस साले दोनों ही दिल के काले हैं, बहुत खराब इंसान है दोनों ही, ठीक है, तो कोई इनमें से अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, डेविल है दोनों के दोनों, और ये कोई फायर साइन है एरीज लियो सजिटेरियस। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है क्योंकि डेविल का कार्ड है, ठीक है, अर्थ साइन, मोटिव है, मोटिव हिडन इंटेंशंस है, कट ऑफ करिए और अपने जीवन को बचाइए। आ गया, देखो देखो वो आ गया, वो आ गया, देखो देखो वो आ गया, जस्टिस आ गया है। हमने क्या बोला था, हमने क्या बोला था, भगवान जी, भगवान जी, थैंक यू, क्या बात है, क्या बात है, आज बड़े दिनों के बाद हमारे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे होता ना, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है, हाँ चड्डी में तो है हम और वाकई में चड्डी में फूल खिला है। बहुत खुशी हुई हमें वाकई में, इसको कहते हैं असली खुशी, पता है, देखिए दिखने दिखाने वाली नकली खुशी कभी कभार पता चल जाता है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है जब हम फेक स्माइल देते हैं। ज़्यादातर वीडियोस में आप लोगों के कमेंट आ जाते हैं कि आप हंस रही थी लेकिन हमें पता था कि समवेयर यू वर, लेकिन आज हमको ये कार्ड देख के बड़ी खुशी हुई है भाई, ये जस्टिस का कार्ड, और इस डेक में जस्टिस का कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भाई। बालों में ये किस तरीके के कुंडल लटका रखे हैं भाई, इसमें तो लग रहा है कि इंसान को ही जो है फांसी पे लटका दिया जाएगा, इतना भयंकर कुंडल लटक रहे हैं जस्टिस का, इसीलिए कर्मा देवता हैं, ऐसे ही कर्मा देवता नहीं बनते हैं, समझे क्या? तो जी कर्मा देवता आए हैं, स्वागत नहीं करेंगे? असीम और शान शहनशाह, धुन तक धुन तक धुन, यही होता है ना, मरेंगे सबके सब, मरेंगे बड़ा मजा आएगा। किंग ऑफ व्हील्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट अभी हम आगे देखते हैं, नहीं 3-4 कार्ड्स तो एक साथ नहीं लेंगे, एक साथ नहीं लेंगे, हरगिज नहीं लेंगे। और
इसी के साथ किंग ऑफ वेल्स को हम दोबारा से इसका थोपड़ा नीचे कर रहे हैं क्योंकि हमको इसको नहीं देखना है, और इसको भी किंग ऑफ वॉन्ड्स को, आई डोंट वॉन्ट टू सी देयर फेसेस। ठीक है, जस्टिस आया है, वाह क्या बात है। आगे देखते हैं भाई, आगे एक ही कार्ड आया ना, क्या है ये? ओ पेज ऑफ कप्स। तो ये इन दोनों में से किसी की एनर्जीज नहीं है, ये कोई नया राजकुमार है जो शायद आपके जीवन में दस्तक देने को है। जैसे ही आप इस प्राणी को, इस घटिया नीच प्राणी को रिलीज़ करेंगे, ठीक है, जो आपको कारपेट की तरह इस्तेमाल करते रहे, आपके ऊपर से ऐसे ऐसे चल चल के गोबर वाला जूता रगड़ रगड़ के आपको मसलते रहे, कुचलते रहे, रौंद के निकल गए आपको, हैं गंदा करके, तो अब ये जो है पेज ऑफ कप्स को आ रहा है, ठीक है, कप लेके आ रहा है ज़रूर इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट और पानी होगा जिससे आपके कारपेट को ये धो देगा कितना मज़ा आएगा, सोचा है आपने? सोचा है? नहीं सोचा? अरे तो सोचो अभी सोचो। नहीं, जब सोच ही रहे हो, ये पेज ऑफ कप्स ना ठीक इसके नीचे आया है, जब सोच ही रहे हो तो इस प्राणी के बारे में नहीं, इन लोगों के बारे में नहीं, इसके बारे में सोचो जो डिटर्जेंट और पानी लेके आ रहा है आपके जीवन में। ठीक है, आगे देखते हैं, मज़ा आ रहा है रीडिंग करने में हमको आज, अभी बड़े दिनों के बाद हुआ है। गणपति, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बहुत सारे विघ्न आपके जीवन से चले जाएंगे इस गणपति, गणपति आ रहे हैं 7 तारीख को, है ना? जस्टिस के साथ पेज ऑफ कप्स, जाहिर सी बात है ये इन प्राणियों को आप जैसे ही अपने जीवन से लात मार के टकलियाँ करेंगे, तुरंत किसी पेज ऑफ कप्स की बहुत ही राजघराने जैसी एकदम शाही एंट्री आपके जीवन में होगी। ठीक है, यंग एनर्जीज हैं, वैसे भी उन दोनों किंग ने मैच्योर होके क्या उखाड़ लिया है, तब भी आपको गंदाई तो किया है अपने पैरों के गोबर से, और आप लोगों को भी ना वो कुची कू पूछी पू है गोबर टट्टी लैटरिन गू खत्म ही नहीं होता है आप लोगों का। आगे देखते हैं, हम 8 of Swords, 9 of Swords और ये 9 of Wands को क्लैरिफाई करेंगे दूसरे डेक से। ये है वो प्राणी 7 of Swords, घबराइए मत, ये पेज ऑफ कप्स के बाद आया है। नहीं, ज़बरदस्ती जानबूझ के इस पर्सन पे लांछन मत लगाइए, अभी कोई नया प्राणी है तो छुप छुप के देखेगा ये आपको ऑब्वियसली, तो ये जो नया प्राणी है ये कोई सीक्रेट एडमायरर आपका हो सकता है, फिलहाल ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से, करने दीजिए कोई बात नहीं, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में नहीं है, प्रिवेसी में नहीं घुस रहे हैं, आपके सामने ही सीना चौड़ा करके आपको जो है देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो ऑलरेडी आपके फ्रेंड लिस्ट में हो, सोशल मीडिया पे आप जानते हो, आपके कोई दोस्त हो पहले से जिसके मन में अभी फीलिंग्स डेवलप हो रही हो। ठीक है, 7 of Swords की एनर्जीज है, पेज ऑफ कप्स की ही है, लेकिन इसको भी क्लैरिफाई करेंगे, रीडिंग कर रहे हैं तो ढंग से करेंगे ना, पता नहीं थोड़ी सी फ्रीकी सी स्पूकी सी वाइब्स आ रही है भाई। 7 soulmate है तो ऑप्शन तो आप लोगों के पास भी है दुनिया में, अगर आप लोगों के 7 soulmate है तो 7 ऑप्शन ही है, 7 है। तो जैसे ही ये किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स निकला जीवन से तो 2 निकल गए, तो अगर तो तीसरा ये पेज ऑफ कप्स आ रहा है तो इसको भी आपको जज करने का पूरा अधिकार है, आपको इसको खंगालने का, इसको समझने का, है ना, इसको ऑब्जर्व करने का आपका पूरा अधिकार बनता है। तो अगर ये भी
ऐसा निकला तो टक लिया, ठीक है, फौरन साफ सीधे तौर पे बोल देने का, ठीक है, शॉर्ट एंड क्रिस्प। वैसे हमें नहीं लगता है कि खराब एनर्जीज हैं इसकी, क्योंकि ये डिटर्जेंट और कप लेके आ रहा है भाई पानी लेके, हाँ काफ़ी कारपेट को धोने के लिए ही आ रहा है ना, ये हमको ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज अच्छी है। देखिए जो लग रहा है वो लग रहा है सेवन ऑफ सोर्ड्स आने के बाद भी, लेकिन हम क्लैरिफाई करेंगे, फिकर मत कीजिए, दूसरे डेक से, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो कि आपकी एनर्जीज में है, आपकी एनर्जीज है, और हम इसको देख के बहुत ही भाव विभोर हो गए हैं, बहुत ही अभिभूत, ठीक है, अभिभूत नहीं, एक एक भूत होता है ना, कौन सा भूत होता है, कोई एक भूत होता तो है लेकिन हमको याद नहीं होता, अभिभूत होता है क्या, भूत होता है, कुछ होता है, लेकिन ये कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स देख के हमको सच में बड़ी खुशी हो रही है। जस्टिस के आने के बाद ये दूसरी बार है जब हमको बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी से मैं, और आप तो बिल्कुल तलवार लेके बैठे हैं, और वैसे ये किस प्रकार के कपड़े पहने हैं आपने, हैं, और कहाँ से लाए ऐसे वस्त्र आप, हैं। अगर इसका लिंक आपके पास है तो हमको भी भेज दीजिएगा, हम भी पहनेंगे, ठीक है, और ऐसे वस्त्रों में हम भी रीडिंग करेंगे तो बड़े अच्छे लगेंगे देखने में। वैसे देखिए ये आपकी एनर्जीज है, अच्छा है, हेयर स्टाइल भी अच्छा बनाया है, नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है आप, कोई मैच ही नहीं है। अगेन हमने क्या बोला था, यहाँ पे ये राजा आया था, ठीक है, पता नहीं कहाँ का राजा है, भागिया से किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स, चलिए ऐसे ये इन दोनों को थोड़ा हमने उल्टा करके रखा है, हमको देखने का नहीं है। और आप सोर्ड्स, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है, ठीक है बाकी अभी दो कार्ड के पार्टनर और बनेंगे तो देख लेते हैं, कार्ड टकरा बहुत रहे हैं यार आपस में, पता नहीं, ऐसा भी एक चीज़ हमको और लग रही है कि ये लोग आएंगे तो आपस में एक क्लैश है आप लोगों का, अवॉइड कीजिएगा। अरे भैया हम लोगों को बात ही नहीं करनी है, साफ सीधे तो तौर पे बोलना भक, ठीक है, भक भक, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है मुँह लगने की, क्या ज़रूरत है। आगे देखते हैं, दो कार्ड और लेने हैं, सिद्धि जस्टिस का कार्ड आ गया हमको, और कोई मतलब, हम भूल जाएंगे, हमको याद दिला दीजिएगा कि हमको एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स को एक साथ तीनों को क्लैरिफाई करना है कि ये क्यों आया है, छल कपट, काहे का छल कपट, डेविल तो हमें दिखाई दे गया, डेविल तो मतलब वो तो इन तीनों कार्ड का मतलब आउटकम ही है कि भाई देखना दिखाने वाली एनर्जीज। सेवन ऑफ कप्स, हम अभी कह रहे ना साथ साथ सोलमेट, भाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बाद सेवन ऑफ कप्स आया है, तो आपके सामने सिर्फ ये एक पेज नहीं आ रहा है, यू विल बी हैविंग फ्यू ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, ठीक है, ज़िंदगी का सवाल है ये आपकी, ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। जीन्स लेने जाते हो मॉल में, कोई टी शर्ट लेने जाते हो, देखिए जो हम लेने जाते हैं हम वही बताएंगे ना आपको, ठीक है, जीन्स और टी शर्ट, ठीक है, कोई अच्छा सा कुर्ता पजामा कुछ लेने जाते हैं हम लोग खरीदने, दुकान में एक ही है वही देख के तो नहीं आ जाते लेके कि शो मी सम मटेरियल है, तो कोई बोलता है कि अगर आपको कोई दिखाता है कि भाई ये देखो भाई हमारे पास ये वाला कुर्ता है, ठीक है, नीले रंग का पीले रंग का एक ही कुर्ता आपको दिखाया और आपको बोला बस हमारे पास यही है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप लेके आ जाओ उठा के, चाहे आपके आपको लग रहा है कि भाई बहुत सस्ता है, आपको पसंद नहीं है, पहनेंगे आप उसको, आपको लग रहा है कि कपड़ा बहुत इची है, कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, एक दिन की बात तो है नहीं, जाहिर सी बात है आप उस कुर्ते को आगे आने वाले टाइम पे धोओगे कई बार, वॉश करोगे, पहनोगे, खुद को आईने में देखोगे, नहीं जच रहा है, मन नहीं है, पहले तो आपका मन ही नहीं है उसको लेने का, लेकिन उसने बोला ही है कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, हमारे पास यही नीला कलर का
पीला जो भी एक कलर का कुर्ता है, अरे भाई आपको नहीं पसंद आ रहा है? और ये यहाँ तो प्राणी की बात हो रही है यार, ज़िंदगी भर का सवाल होता है, सोच रहे हैं? ये तो चलो एक 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 कपड़ा एक ड्रेस आप लेके आते हैं, एक साल दो साल तीन साल चार साल पहन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल पहन लेंगे, है 10 साल पहन लेंगे। लेकिन वो भी एक होता है ना कि रोज़ धुलता है, रेगुलर 365 दिन तो आप उसको नहीं पहन सकते ना, टाइम टाइम बाद एक दिन दो दिन। अब देखिए ये हम आज पहने हैं, अब कल धुल जाएगा, कल ये धुलेगा ना तो परसों पहनेंगे इसको, या फिर जब मन करेगा पहनेंगे, जाहिर सी बात है। यहाँ पे किसी प्राणी की बात हो रही है, जीवन आपका जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर। देखिए गलत गलत निर्णय से अच्छा है कि ज़िंदगी भर आप अकेले रहें। जब ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, यूनिवर्स आपको देगा देगा देगा, और कोई अच्छा ही बेहतरीन ही देगा, ठीक है? जब इतना लेट आपने इतना लेट हो गया है तो थोड़ा और सही। आप ही लोग बोलते हो ना कि हम इतने सालों से अकेले हैं, इतना झेला उतना झेला, अरे भाई सब झेल ही रहे हैं यहाँ पे, बोला ना छिले छिलाए लोग हैं भाई, ऑलरेडी छिले छिलाए लोग हैं, और कितना छिलवाया अपने आपको बताइए हैं। एक फाइनल कार्ड लेंगे और रीडिंग को रैप अप नहीं करेंगे, क्योंकि हमको क्लैरिफाई करना है ना यार, भूल जाएंगे अभी। हाँ एक कार्ड आया है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट देगी आपको। और इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, आपको मल्टीपल चॉइस मिलेगी चुनाव करने में, बेस्ट चूज वाइजली। और यहाँ पर ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स लास्ट में आया है, ठीक है? तो अपनी लाइफ के क्रिएटर आप खुद बनिए, चूज़ वाइजली, ठीक है, ढंग से चुनाव करिए, किसी गलत प्राणी को गलत उस पर मत पहुँचिए। आज की रीडिंग बहुत ही दोपहर को भी एक जैसी आई थी, अभी भी किसी एक प्राणी की एनर्जीज आई हैं जो शायद आपके पास लौटे हैं या लौटेंगे कुछ समय में। ड्रामा है उनका, अभी की एनर्जीज में छल कपट ही दिखाई दे रहा है भाई। दोपहर को भी छल कपट दिखाई दिया, अभी भी छल कपट दिखाई दिया। हमने दोपहर को क्या बोला था, मना कर दिया था ना आपको कि ऐसे इंसान को नहीं एंटरटेन करना, छील के निकलने वाले में से है। अभी भी वही आया है, डेविल वाली एनर्जीज है, इस पे मत जाइएगा। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है, फोर ऑफ वांड्स, इस पे मत जाइएगा। ट्विन फ्लेम, घंटा ट्विन फ्लेम, अभी हम मना कर रहे हैं तो मना कर रहे हैं, ठीक है, नहीं है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते, एक सोल टू सोल का कनेक्शन होता है। पहली बात तो आप लोग कभी बैठ के अपने एकांत में एक बार ज़रा विचार विमर्श कीजिएगा कि सोल टू सोल वाला कनेक्शन आपको फील होता है, आपको लगता है कि बिल्कुल हमारी आत्मा ही निकल जाएगी ऐसे। अगर तो फील होता है देन माइट बी पॉसिबल ये एनर्जीज शिफ्ट होने के बाद ये सुधर के आपके जीवन में आएंगे, ठीक है। देखिए हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, हमने आपको पहले ही बोला है कि हम बोलते हैं ना कि वी नीड, बोलते हैं ना, अगर आपने सुना होगा कहीं पे, हम उसको बदलने की कोशिश करो, तुम उसमें बदलाव लाओ। क्यों लाना है बदलाव भाई, क्यों? अरे भाई वो अपने माँ बाप के पेट से वैसे ही जन्म लिए इंसान है, जब वो बचपन से नहीं बदले, हम लोगों में कौन सा वो उसमें हाथों में जादू है कि हम ऐसे 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 करेंगे आबराकडाबरा और वो बदल जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। उन लोगों में हम लोग सुधार ला सकते हैं, ठीक है, बदलाव नहीं ला सकते। अरे कहाँ काय की क्रांतिवीर हैं हम, किधर के क्रांतिवीर हैं, कहाँ की क्रांति लाने चले हैं, जाहिर सी बात है। और क्रांति भी किस में, ऐसे डेविल, इनको बदलेंगे आप? बदलना तो दूर आप सोच भी नहीं सकते हैं, हाँ इम्प्रूव, हमने शुरुआत में बोला नार्सिसिस्ट टॉक्सिक ये लोग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, इनमें थोड़ा सुधार की गुंजाइश होती है, बदलाव की नहीं। ये लोग कभी नहीं परिवर्तन, ये लोगों में बदलाव नहीं आ सकता है, ठीक है, जो हमारे देश और दुनिया में हो रहा है, अगर बदलाव आना होता तो आ जाता, ठीक है। समझने वाले समझ गए होंगे, इंटेलिजेंट बहुत है आप लोग, ठीक है, हम हर टाइप से सोच के बात कर रहे हैं, जो हमारे इस समय चल रहा है ना, जो उसमें क्या उस प्राणी में बदलाव आया, तीन तीन चार चार शादियाँ करी थी,
भाई एक एक बीवी नहीं सुधार सकी, दूसरी बीवी नहीं सुधार सकी। अरे जब इंसान में नहीं चेंज आना है, सुधारने की कोशिश करी थी, नहीं सुधरे, निकल गए सब धीरे धीरे करके, और अंत में क्रिमिनल। फोर ऑफ वॉन्ड्स के इस माया जाल में मत पड़िएगा, ठीक है। यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन रीयूनियन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा। रीयूनियन जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा जो दोनों कंपैटिबल होंगे, दोनों सेम पेज पर होंगे। ये नार्सिसिस्ट है, आप इमोशनल है, कारपेट है, बिछे चले जाते हैं, ये आपके ऊपर से ऐसे चले जाते हैं आपको मसल के एकदम, ठीक है। कहाँ इक्वल गिव एंड टेक, कहाँ है, कहाँ है नापतोल, बैलेंस कहाँ है? ऊपर जा रहा है, नीचे दबे चले जा रहे हैं आप। इनका लेवल ऊपर चला जा रहा है क्योंकि डेविल है, आपका लेवल स्पिरिचुअलिटी में ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहे हैं। सेम पेज पे नहीं है आप दोनों, तो जब तक सेम पेज पे नहीं आएंगे रीयूनियन इज़ नॉट पॉसिबल। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स के इसमें मत पड़िए अभी, पहले तो आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ध्यान दीजिए। इस एनर्जीज पे अगर हैं वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो फौरन इस एनर्जीज में आ जाइए, ठीक है। और इस ड्रेस का लिंक हमें भेज दीजिएगा, आई एम सीरियस, यस आई एम, ठीक है। और ये ज़रा कंफर्म करते हैं, एट ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ सोर्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये तीनों कार्ड काहे आए हैं? नहीं, ये इतना दर्द कौन दिखा रहा है और काहे दिखा रहा है, पता चलना चाहिए ना। ये शाणे हैं तो हम भी डेढ़ शाणे हैं, ठीक है। इतना दुख, ओ चोट लगी बच्चे को, बाबू सोना जादू करना, बट ये है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, बड़ा तकलीफ है भाई, बड़ा तकलीफ है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, इनको तो नींद भी नहीं आती, अरे 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 बड़ा बुरा हाल है बेचारे। एट ऑफ सोर्ड्स, स्टक है, परेशान है, निकल नहीं पा रहे हैं, अपनी तकलीफों से निजात नहीं पा पा रहे हैं, ठीक है। ज़रा इन तीनों कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं एक ही कार्ड से। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इन्फ्लुएंस, ये तकलीफ और लोगों का प्रेशर, और लोगों के मेंटल प्रेशर से, भाई इनको बहुत सारे लोगों ने चारों तरफ से जकड़ लिया है, ठीक है। हो सकता है कोई डेट हो, डेट लोन वगैरह हो, कुछ क्लियर हो, किसी के साथ कोई किसी प्रकार का बवाल झड़प, अच्छी खासी जो है इनकी लगी हुई है, ठीक है। इसलिए इन एनर्जीज में, आपके लिए ऐसी एनर्जीज नहीं है, हमको यही देखना था। एट ऑफ सोर्ड्स किसके लिए है भाई, इतना दुख काहे है ना, क्योंकि अल्टीमेटली कार्ड तो डेविल का ही आया है। जब डेविल आया है तो ये किस चीज़ का दिखावा है, ये रोना का है किसके लिए? तो भाई यहाँ पे और लोगों की जो है मार पड़ रही है इनको, ठीक है। बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं, बहुत झमेले झाटे में फंसे हुए हैं, कर्मा है, ठीक है, इसलिए ये हो रहा है। जैसी करनी वैसी भर लूँ, ठीक है। ये सेवन ऑफ सोर्ड्स जरा हम कंफर्म करेंगे, ये पेज ऑफ कप्स के बाद आया था ना, ये पेज सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में क्यों है? अगर तो जेन्युइन इंटेंशंस है तो अच्छा है, पता चल जाएगा। अभी पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज, जो नया प्राणी आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं ना, उनकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में ये पेज ऑफ कप्स क्यों है? थोड़ी सी डिसेप्टिव वाली वाइब्स आई थी। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, फूंक फूंक के कदम रखिएगा, ठीक है। बहुत डिसेप्टिव है ये, मिस्टीरियस एनर्जीज है ना इस पर्सन की, पेज ऑफ कप्स, इसलिए हमने आपको बोला था कि क्लैरिफाई करेंगे। जब हम बोलते हैं वो हम करते हैं, आपको तो पता है ना, क्योंकि हमको जब चीज़ जो चीज़ डाउटफुल लगती है ना, हम उसी को क्लैरिफाई करते हैं, अदरवाइज हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमको लगा था कि ये पेज ऑफ कप्स के बाद सेवन ऑफ सोर्ड्स आया था, हमने आपको बोला था कि हाँ ठीक है जो भी है, ये है नया प्राणी आ रहा है, कप लेके आ रहा है, डिटर्जेंट लेके आ रहा है, लेकिन हमने जब बोला था कि क्लैरिफाई करेंगे तो हमको कुछ डाउट होगा, तभी हमने बोला ना, तो वो डाउट है, डाउटफुल तो है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। लेकिन
जब आपके पास ये है ना, जब आपके पास ये है तो मजाल है मजाल है कोई आपको कप पकड़ाने की कोशिश भी करे, कोई चूना या चपत लगाए आपको, मजाल है किसी की कि कोई आपको इस व्हील को देने का प्रयास करे, ठीक है, कोई इस वॉन्ड से आपको रिझाए, पैशनेट एनर्जी से आकर्षित करे। भाई अल्टीमेटली सबसे ताकतवर तो यही है, तलवार है, इससे एक इंसान की मुंडी जो है वो अलग हो सकती है कहीं नहीं रहेगा, पेंटेकल यूं हवा में उड़ जाएगा छन करके गायब हो जाएगा। और ये डंडा, अरे भाई वॉन्ड है, इसकी भी मुंडी कट जाएगी, एक मिनट नहीं लगेगा, ठीक है। और ये कप, ये भी धराशायी हो जाएगा। तलवार है इसके पास भाई, तलवार है। जब पेज की मुंडी ही नहीं रहेगी तो ये कप पकड़ने वाला कौन होगा, समझ गए? तो पावर तो आपके हाथ में है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको देख के घबराने का नहीं, इसकी एनर्जीज है पेज की, लेकिन संभलने वाले संभल जाएंगे। आप इस एनर्जीज में हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। अभी कुछ दिन इसी एनर्जीज में रहिए, डेली बेसिस पे हम रीडिंग करेंगे गाइडेंस के तौर पे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एनर्जीज कुछ समय तक ऐसी रहने वाली है किसी प्राणी की, ठीक है। भाई वाह, आपने भी तलवार थाम ली है, कर्मा देवता ने भी तलवार थाम ली है, तो किस बात का भय है फिर? है अल्टीमेटली आउटकम, अल्टीमेट आउटकम ये है, ये आप लोगों के जीवन में खुशियां है, सेलिब्रेशन है, लेकिन विद करेक्ट पर्सन, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, ठीक है, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंस रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। तो कार्ड समेटने के बाद आया है जस्टिस, गुड, सही है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपना काम कीजिए ईमानदारी से, जो भी काम आप करते हैं ईमानदारी से अपने काम पे ध्यान दीजिए। भगवान जी को हर मुश्किल का, हर परेशानी का हल उनके ऊपर छोड़ दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। यू विल बी एबल टू चूज। ओ फोर ऑफ वॉन्ड्स, फिर यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इसका सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, यानी फोर ऑफ वॉन्ड्स से प्रोग्रेस देख रहे हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स से सिक्स ऑफ वॉन्ड्स प्रोग्रेशन तो है भाई, तो विक्ट्री और एकदम भाई सही है, खुश रहिए, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है सेलिब्रेशन का होता है, और ये सेलिब्रेशन दूर दूर तक जाना जाएगा, ठीक है। इसको सेलिब्रेट करने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत पॉजिटिव रीडिंग, बेहतरीन रीडिंग, क्योंकि बेहतरीन रीडिंग इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज में है, दैट्स वाई, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंस रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, ठीक है, और दे दीजिएगा थोड़ा सा, ज़रूरत है भाई, ठीक है, देते हैं आप लोग, हमें पता है देते हैं, और दिल से देते हैं, हमें मेल करते हैं, हमें मैसेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम चलते हैं, ठीक है। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे, ठीक है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पॉइंट पे हम रीडिंग्स डिलीवर करते हैं। ज़रा कमेंट सेक्शन में चेक कीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि हमने जो रीडिंग्स दी हैं उनको वो कितनी डिटेल देती है, एक्यूरेट का हम नहीं गारंटी लेते। देखिए रीडिंग एनर्जीज जो है वो चेंज होती रहती है, एक्यूरेसी का नहीं हम बता सकते, लेकिन डिटेल्ड में देते हैं, छोटा एक एक अठाने का रीडिंग नहीं देते हैं, ठीक है, चवन्नी वाली रीडिंग नहीं है यहाँ पे, यहाँ पूरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज माय मोटो, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही, बाय। बेल बजी है, कोई आया है, कोई आ रहा है, समझे, कोई नया, बाय।